वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती है। बाय द वे, अगर इसक्रीशन में कोई प्रॉब्लम आती है, दैट कैन बी लीड द प्रॉब्लम, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और हमारी बॉडी में ये इसक्रीटरी मटेरियल अगर एकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, देन कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन इसक्रीशन का होता है, इसके कारण ये क्या करता है, हमारी बॉडी में बनने वाले सभी वेस्ट मटेरियल को, आइदर दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म और एनी अदर थिंग, दे कैन बी एलिमिनेटेड टू आउटसाइड द बॉडी। सेकेंड, जो दूसरा आपका टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, इफ वी टेक द ड्रग्स, अगर हम ड्रग्स को लेते हैं, तो ये जो ड्रग्स होता है ये हमारी बॉडी में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में इफ वी टेक द पैरा सीटामोल 500, इसका एक टाइम इंटरवल पीरियड होता है, यानी अबाउट 8 आवर्स, 8 घंटे तक ये हमारी बॉडी में एकमुलेट होता है, घूमता रहता है सॉरी, और उस बीच ये स्क्रीट किया जाता है। अगर स्क्रीशन नहीं होता तो ये पैरासीटामॉल हमारी बॉडी में जाकर के डिफरेंट सेल में एकमुलेट हो जाता और वो डैमेज कर देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्रीशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, वो जितने भी टॉक्सिक केमिकल हमारी बॉडी में पहुंचते हैं या बनते हैं, चाहे वो ड्रग्स के फॉर्म में जाते हैं, उनको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होती है, उसको स्क्रीशन कहते हैं। और तीसरा जो होता है, ये हमारे बॉडी में वाटर के लेवल को बैलेंस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट जो होता है वाटर का होता है, तो अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ द H2O। जो चीज सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा प्रोसेस को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तो इस तरह से वाटर के बैलेंस को ये रेगुलेट करता है। हम ज्यादा पानी पीते हैं, देन वी कैन एक्सक्रीट द यूरिन, ज्यादा से ज्यादा हम यूरिन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। हम पानी पीना कम कर देते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, और इस तरह से हमारी बॉडी में जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। पहला, ये मेटाबोलाइट को, जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकालता है, दूसरे जो ड्रग्स हैं टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको बाहर निकालता है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और सॉरी वाटर के लेवल को बैलेंस करता है, यानी ब्लड में वाटर जो होता है उसके अमाउंट को ये रेगुलेट करके पूरी बॉडी में इन ईच एंड एवरी सेल में जो वाटर का अमाउंट होता है उसको ये रेगुलेट करता है। सेकेंड टॉपिक जो होती है स्क्रीशन के बाद, वो है स्क्रीटरी ऑर्गन। पूरे एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट टू द वर्टिब्रेट, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द स्क्रीटरी ऑर्गन आर फॉर्म। एक पूरा का पूरा क्या होता है, सीरीज है, कई तरह के पाए जाते हैं। सो मच डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्क्रीटरी ऑर्गन आर फॉर्म फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट टू द ह्यूमन बींग। सबसे पहला जो सबसे सिंपल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वो आपके हैं प्लेटी हेल मिन थीज, और इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे आपका क्या हो जाएगा, या फिर फ्लैट वर्म। इनमें जो स्क्रिटरी ऑर्गन्स होता है उसको कहते हैं या फियल ईएमई, फ्लेम सेल। सबसे सिंपल स्क्रिटरी ऑर्गन्स दैट कैन डू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीशन वो आपका क्या है, फ्लेम सेल है। उसके बाद और थोड़ा सा आगे आते हैं, दूसरा टाइप जो होता है वो पाया जाता है एनी लीडा में, यानी
अर्थवर्म में, और इसमें जो होता है क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया। इनमें क्या होता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। और इससे आगे हम जाते हैं, तीसरा जो ग्रुप है वो है आपका इन सेक्ट्स। इंसेक्ट में जो होता है इसको मैल मैलपियन बॉडी कहते हैं। इसके बाद फिर इसी में चौथा जो होता है वो क्रस्टेशियन में जो होता है वो आपकी होती है ग्रीन ग्लैंड। क्रस्टेशियन के बाद फिर आता है मोलस्क। मोलस्का से लेकर जो पांचवा होता है वो आपका क्या होता है, मोलस्का से लेकर के मैमल्स तक जो पाया जाता है स्क्रीटरी ऑर्गन उसको क्या कहते हैं, किडनी। इतना डाइवर्स फॉर्म पाया जाता है। प्लैटीहेलमिंथीज में फ्लेम सेल इज द वेरी यूनिक स्ट्रक्चर। जब भी आप पढ़ेंगे ये इस फाइलम का ये यूनिक कैरेक्टर है फ्लेम सेल। एनिलिडा में क्या होता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। उसके बाद इंसेक्टा में मेल्पिगन बॉडी। क्रस्टेशियंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। ये भी बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद फिर आता है कौन, मोलस्क। मोलस्का से लेकर, मोलस्का हो गया इकाइनोडार्मेटा हो गया, उसके बाद फिर प्रोटोकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेट्स हो गए, और कॉर्डेट्स में फाइव ग्रुप हो गए आपके। ये पीसीस से लेकर के मैमल तक जो पाई जाती है एक्सक्रीटरी यूनिट उसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। हियर वी स्टडी द एक्सक्रीशन इन अ ह्यूमन बींग। यहाँ तक क्लियर होगी टॉपिक, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन, बहुत ही क्लियर वे में बताया मैंने, फिर भी इसको नोट करें। एक्सक्रीशन इन अ ह्यूमन बींग, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ए वेल इलाबरेट सिस्टम आर फाउंड। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम वो और यूरिनरी सिस्टम। इट कंपोज्ड ऑफ फोर डिफरेंट कंपोनेंट। फर्स्ट ए पेयर ऑफ किडनी, सेकेंड ए पेयर ऑफ यूरेटर, थर्ड ए यूरिनरी ब्लैडर, एंड फोर्थ ए यूरीथ्रा। चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे मेन जो होता है वन पेयर ऑफ द किडनी। एक पेयर जो किडनी होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती है। बी साइड दिस एनाटॉमिक इज लेफ्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर फाउंड दैट कैन एक्सक्रीट द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग। मेनली दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी ऑर्गन। वन इज द किडनी, सेकेंड इज द लीवर, एंड थर्ड इज द इसके द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट आर इलिमिनेट बाय द किडनी। कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेट बाय द सॉरी लंग्स,
एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटाबोलाइट्स लाइक एनएमसीएल दैट कैन बी एलिमिनेट बाय द स्किन. सो दी आर द थ्री डिफरेंट ऑर्गन दैट कैन डू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, बट द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द किडनी. सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ फोर डिफरेंट पार्ट्स, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा. ए पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैन बी अराइज फ्रॉम ईच किडनी एंड फाइनली दे आर ओपन इन टू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड urinary bladder. The number of urinary bladder is 1. It receives the urine from the kidney and store it. Here a important process are operated, that is a reflex action process. This is called micturition. When the bladder is fulfilled by the urine, as a signal goes to the central nervous system through the brain, and brain give the order for the muscles of the urinary bladder to contract, and finally the stored urine pass out through a common tube. This is called the urethra. Here sperm are also pass out in the case of human being male, and urine are also pass out from this common tube that is called the urethra. Now we discuss about the kidney. What is the kidney? You know that in the case of human being, the number of kidney is one pair. Number of kidney is one pair. It is located in abdominal cavity. जो हमारी abdominal cavity होती है उसमें जो आपकी बैक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, उससे एकदम एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में होती है. द लेफ्ट हैंड साइड किडनी इज स्लाइटली अप इन पोजीशन एंड आल्सो लार्जर. ये थोड़ा सा बड़ी भी होती है, और अगर हम कंपैरिजन करते हैं इस तरह से तो ये यहाँ पे लग रही है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी होती है और क्या होती है बड़ी होती है. इस तरह से इनकी जो पोजीशन होती है वो हमारे बैक साइड में बैक बोन के आगे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में ये सिचुएटेड होती है. इन रेफरेंस टू सेफ, किडनी की जो सेफ होती है वो समवाट राजमा और बीन से. द अपर पोर्शन ऑफ द किडनी पोजेस एन एक्सक्रीटरी ग्लैंड दैट इज एड्रीनल ग्लैंड. दोनों के ऊपर की तरफ क्या होती है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है. एक्सटर्नली अगर हम देखते हैं इट पॉजेस टू डिस्टिंक साइड. ये आपका कन्वेक्स कन्वेक्स साइड, ये आपका कनकेव साइड. जो कनकेव साइड होता है यहाँ पर तीन तरह के ट्यूब्स जो होते हैं वो किडनी में इंटर होते हैं. पहली वाली जो होती है ये प्योर ब्लड को किडनी के अंदर ले जाती है, इसको रीनल आर्टरी कहते हैं. यहाँ से इम्प्योर ब्लड को वापस लाने वाली जो होती है उसको रीनल वेन कहते हैं. और फिल्टर के बाद यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद जो मटेरियल आता है ये इसमें, इसको क्या कहते हैं यूरेटर. इंटरनली अगर हम देखते हैं तो इसमें दो डिस्टिंक्ट साइड दिखाई देती है. ये जो बाहर वाला एरिया एक हो गया और ये अंदर वाला, एक कॉर्टेक्स होता है दूसरा क्या होता है मिड्यूला. मिड्यूला ईच किडनी इज मेड अप ऑफ millions of the structure where the filtration, absorption and secretion are take place and can be work as a
स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन. अगले टॉपिक में इसको एक्सप्लेन किया. व्हाट इज द नेफ्रॉन, व्हाट इज द रोल ऑफ द किडनी. हमारी जो किडनी होती है, दोनों किडनी 24 आवर में लगभग 180 लीटर फिल्टर करके कचरे को निकालती है. 180 लीटर ये फिल्ट्रेट बनाती है, और इस 180 लीटर में से 1.2 टू 1.6 लीटर आपका क्या बनता है, यूरिन बनता है. मींस जो फिल्टर होता है किडनी में होता क्या है, मैनुअल फिल्ट्रेशन होता है. यहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं पाई जाती. अगर यहाँ पर कोई भी केमिस्ट्री होती तो इतना एक्यूरेसी में वर्क नहीं हो सकता था. मैनुअल फिल्ट्रेशन होता है, इट कैन डू द मैनुअल फिल्ट्रेशन. और जब यहाँ से ब्लड पास होता है, ये वाली जो ट्यूब होती है ये मोटी होती है, ये वाली जिससे ब्लड वापस जाता है ये पतली होती है. जो सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि नेफ्रॉन में, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. यानी बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे मैनुअल फिल्ट्रेशन होता है, और 24 घंटे में दोनों किडनी जो होती है 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है ब्लड से निकला हुआ मटेरियल. अब इसमें से फिर सिर्फ 1 से 1.5 लीटर जो होता है यूरिन बनती है. यानी आप मान के चलती है कि 99% ये जो फिल्ट्रेट होता है, और इनमें भी 99 से भी ज़्यादा क्या होता है, हम लीजिए वाटर ही होता है. ये वाटर वंस अगेन एब्जॉर्ब इन द ब्लड. तो प्रेशर से ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है, और उसके बाद चुन चुन के जो मटेरियल ब्लड में रहना चाहिए एक्सीडेंटली ड्यू टू द प्रेशर ड्यू टू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो फिल्ट्रेट में पहुंच जाते हैं, उनको फिर वापस कहां पर लाया जाता, ब्लड में लाया जाता है. तो किडनी में तीन काम हो गया, फिल्ट्रेशन फिल्टर करता है जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, सेलेक्ट करके मटेरियल को वापस फिल्ट्रेट से ब्लड में या ब्लड से फिल्ट्रेट में पहुंचाना, और तीसरा क्या होता है सिक्रीशन, जो वेस्ट लास्ट में बचता है उसको यूरेटर में कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरेटर में क्या करता है, रिलीज करता है. इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आएगा, एक टॉपिक और बचता है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. लास्ट यू नो दैट ईच किडनी आर मेड अप ऑफ 1 मिलियंस नंबर्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, एंड दीज नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन बोथ कॉर्टेक्स रीजन एज वेल एज द मेड्यूला रीजन. ओके, थैंक यू.